पूरव, इसे बता दो, अब इस उम्र में मैं इतना नहीं भाग सकती। तो आपको भागने की क्या जरूरत थी? आप आराम से भी तो आ सकती थी। इसका SMS पढ़ के कोई आराम से कैसे आ सकता है? हाँ दी, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपका मैसेज पढ़ के तो मुझे भी लगा एकदम कोई ना कोई इमरजेंसी है, या आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं। अब बता कौन सी इमरजेंसी लग गई? हुआ क्या है? अभी ने कुछ कहा? कहीं तनु ने तो कुछ नहीं कहा? माँ के बारे में सोच रही है ना, कि माँ को अपना सच बता दूं। कहीं वो आदमी तो नहीं मिल गया जिसको आप ढूंढ रही थी? तो फिर क्या हुआ है? पहेलियां क्यों मुझवा रही हूँ, बता ना। पहले आप प्रॉमिस कीजिए आप डांटेंगी नहीं। अब तू अपनी बहन ना बुलबुल जैसे बातें करती है। दादी मुझे ऐसा लगता है इनसे ना कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और ये उनको छुपाना चाहती, तभी बता नहीं रही। क्या किया तूने? फोन कर दिया। किसको फोन कर दिया? तनु को। ये क्या किया तूने? आपने उसको फोन करके ब्लैकमेल किया? ये तुम्हीं ने तो कहा था ना कि बाहर का बंदा फोन करेगा ब्लैकमेलिंग के लिए। दादी आपने आपने वादा किया था कि आप मुझे डांटेंगी नहीं। पूरब मैंने कोई प्रॉमिस किया? नहीं दादी, आपने कोई प्रॉमिस नहीं की और ना ही मैंने कोई प्रॉमिस की। दादी मुझे लगता है इन्होंने ना ये सब पहले ही प्लान किया होता, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि हमारी जान खतरे में आए, क्योंकि जो भी फोन करता उसको उसकी जान रिस्क में आ जाती, और तभी उन्होंने खुद फोन करके अपनी जान को रिस्क में डाल दिया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अभी तुमने मुझे बुलाया क्या? कहीं फिर से आज बाहर ले जाने का मन तो नहीं? कल तुम मुझे लेके गए थे, आज मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाती हूँ। और हाँ, पैसों की चिंता मत करना, क्योंकि वो मैं बुक कर लूंगी। आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाती हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, और तुमने वो जगह कभी देखी भी नहीं होगी। क्या हुआ अभी, तुम इतने परेशान क्यों? मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? तुम बोलती रहती हो ना कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, इसलिए मैंने फैसला ले लिया। क्या फैसला लिया? मैं आज ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज क्या आप इसी वक्त कोर्ट में तुम करोगे ना? क्या? आज ही? वो भी कोर्ट मैरिज? हाँ, क्यों? इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम? अब तक तो तुम बोलती आ रही हो कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे मेरा नाम कब मिलेगा। तो अब जब ये सब कुछ होने जा रहा है तो तुम चौंक क्यों रही हो? हाँ अभी मैं यही चाहती हूँ, लेकिन तुमने ऐसे अचानक बोला तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, ओके, तो तुमने दादी से परमिशन ले ली? और विटनेस, कोर्ट में तो विटनेस चाहिए होंगे ना? वो कौन होगा, क्या कैसे होगा, तुमने सब कुछ सोच लिया? अभी प्लीज ये सब कुछ सोच लेना, वरना प्रज्ञा को फिर से मौका मिल जाएगा ये कहने का कि शादी नहीं हुई है। विटनेस है मेरे पास, बाहर आ जाओ, कम 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 आउट। ये बनेगी विटनेस। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ये विटनेस बनेगी। अबे ये तो चाहती नहीं कि हमारी शादी हो, ये तो कोर्ट में जाएगी तो और काम बिगाड़ देगी। ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। देखो तनु, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्यों करेगी ऐसा? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, और पहली शादी के लिए भी इसी ने तो मुझे फोर्स किया था, तो आप क्यों नहीं करेगी? अभी वो सब कुछ मुझे नहीं पता। इसी ने कहा था ना कि शादी के बाद तुम्हारी फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, तो और इसके बिजनेस पे भी असर पड़ेगा, तो इसीलिए ये नहीं चाहती। जैसे क्यों देख रहा अभी? पक्का और कोई वजह नहीं है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। निखिल से चेक करना पड़ेगा, कहीं ये मजाक वही तो नहीं कर रहा। सब स्वीरार, ये क्या मजाक है निखिल? आई नो ये फोन तुम्हीं ने मुझे करवाया है, पर लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज नॉट फनी। तुम्हें क्या मजा आ रहा है मुझे परेशान करने में? एक सेकंड तनु, कौन सा कॉल, किस कॉल के बारे में मैं क्यों करवाऊंगा कोई कॉल? मतलब ये फोन तुमने नहीं करवाया? नहीं,
Are you sure? Yes, I'm sure, Tanu. और अगर तुम चाहो तो मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा सकता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ चेक कर रही थी। अब तुम रिलैक्स होके मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, किसका फोन आया तुम्हें? निखिल मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया और वो मुझे कह रहा था कि I really don't understand. क्यों कोई तुम्हें फोन करेगा? मेरे ख्याल से कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन अगर कोई मेरे साथ मजाक भी कर रहा है ना, तो उसे मजाक में मेरा सच कैसे पता चला? और मजाक में उसे 10 लाख रुपए कैसे मांग लिए मुझसे? हो सकता है उसे वाकई में मेरा सच पता होगा। यू नो व्हाट, उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अभी को जाके सारा सच बता देगा। यू नो मैंने इस बारे में सपना भी देखा निखिल, तुम्हें पता है कि आजकल मेरे सारे सपने सच होते हैं। तो मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे पैसे चाहिए और मैं आज ही मामला खत्म कर देना चाहती हूँ बस। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा 10 लाख रुपए? वो मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए बस। तनु स्टॉप इट, ये बंदा जो तुमसे पैसे मांग रहा है, are you sure कि उसके पास सारे सबूत है? और अगर सिर्फ शक पर ये ब्लैकमेलिंग हो रही है तो फिर अगर तुमने उसे पैसे दे दिए तो जिंदगी भर वो तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा। निखिल तुम भी तो यकीन के साथ नहीं बोल सकते ना कि वो मजाक कर रहा है। हो सकता है उसे सच में सच पता हो और उसे अगर उसने कहीं जाके अभी को सारे सच बता दिए सबूत के साथ, तो मैं क्या करूंगी? कुछ भी करके मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। मैं तुमसे 8 बजे अभी के ऑफिस के पीछे जो गोडाउन है वहाँ पे मिलूंगी। तनु मेरी बात सुनो, मैं इतने पैसे नहीं ला सकता। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए बस। तनु मेरी तनु रॉनी, देखा मैंने कहा था ना कि हम लोग जरूर जीतेंगे। सुना तुमने, ये तनु किसी से 10 लाख रुपए मांग रही थी। हो ना हो ये शख्स वही है जो हर कदम पर आलिया की मदद कर रहा था। यस भाभी जी, यू आर राइट एंड यू आर जीनियस। जो कहा वो कर दिखाया, आके ढूंढ लिया ना उस परछाई को जो हमारे पीछे थी, लेकिन नजर ही नहीं आ रही थी कि वो परछाई थी किसकी। चलो जाके प्रज्ञा दी को बताते हैं, अब वो उसे खुद सजा देंगे। नहीं, अभी हम प्रज्ञा को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम खुद उस शख्स को जाकर पकड़ेंगे ना और उसे प्रज्ञा के सामने लाकर खड़ा कर देंगे, तभी तो हमें बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम मतलब? नहीं नहीं इनाम नहीं, बड़ी शाबाशी मिलेगी, बड़ी शाबाशी। इस तनु पर हमें नजर रखनी होगी। पिलो और गद्दा मिल गया है, ब्लैंकेट भी दे दो। आप हैं यहाँ? मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। सपना देख रही हो? मेरे आने उल्लू बना रही हो मुझे। मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया है। जानबूझकर क्यों करूँगी? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी यादों को भुला दूँ ना, that's why। मैंने कुछ करने से रोका है कभी आपको? तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं अपने यादों के सारे उल्लू की तरह उल्टा लटका रहूं। आप अकेले तो नहीं लटके हुए ना यादों के साथ? वैसे भी मेरे चाहने से कुछ होता तो बहुत पहले हो चुका होता। रहने दे अभी, और कुछ बोलेगा ना तो तू ही इमोशंस में फंस जाएगा। अब बोलो, ये भी तुमने जानबूझ के नहीं किया? मैं ए, क्या करी हो? दोबारा करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, हो गया तो हो गया, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर तनु का राज इनके सामने ही खुले तो उसका सच इनके सामने आ जाएगा और मुझे इन्हें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं? आज शाम को पता नहीं, लेकिन इतना पता है जो भी करो तुम्हारे साथ नहीं करो। ओके, मतलब आप मेरे साथ ही? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। लेकिन आपने तो ठीक से सुन लिया ना। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। मेरे साथ कहीं नहीं जाना? मैं आपको जगह और वक्त मैसेज कर दूंगी, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। एक आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए, आपका ही फायदा होगा। और अगर आप नहीं आए तो जिंदगी भर पछताएंगे। मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए आप जरूर आएंगे। और अगर आज आप आ गए तो फिर कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।